चलिए गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको। जरा हंसता हुआ चेहरा दिखाना है, स्माइलिंग। स्माइलिंग का मतलब क्या होता है? मुस्कुराते हुए, दांत निकालते हुए नहीं। हंसते हुए, हंस करके। हम हंसते हैं तो क्या होता है? हंसना मुस्कुराना मंत्र है कि नहीं है? Yes, जब हंसेंगे तो हमारा बतीसा जो है निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, दिखेगा। जब उजला उजला दिखेगा, दांत दिखेगा। और जब मुस्कुराएंगे तो क्या होगा? जब मुस्कुराएंगे तो क्या होगा? गाल का जो है बनावट थोड़ा चेंज कर जाएगा। yes, और चेंज और दिखने में अच्छा लगेगा, तो स्माइलिंग फेस में दिखेगा। चलिए, सवाल ये है कि ये कमरा पूरा बंद है। yes, कमरा बंद है, ठीक है। इस कमरे में क्या है? बर्फ है, बर्फ है, इतना तक पूरा बर्फ जमा हुआ है। बात समझते जाइए, जब तक बढ़िया समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, जवाब नहीं आएगा आपके पास। बर्फ है, अब बर्फ आधा घंटा के बाद क्या होता है? पिघल जाता है। तो कमरा का तापक्रम घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। कमरा का तापक्रम ठंडा होगा गर्म होगा? बताइए। क्या एक स्टूडेंट कहना है गर्म होगा? अच्छा, और किसी कहना है ठंडा होगा? देखिए बताते हैं, बर्फ पानी में बदला, तो बर्फ जब पानी में कब बदलेगा? जब उससे हीट निकलेगा तब बदलेगा, नहीं हीट जाएगा, सॉरी, जब बर्फ में ऊष्मा जाएगी तब क्या होगा? वो पानी में बदल जाएगा। जब बर्फ को देखते हो, बर्फ जो तापक्रम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ़ क्या होगा? पानी में बदल जाएगा। अब बताइए कि जब उसको तापक्रम हम लिया, कहाँ से लिया वो तापक्रम? ऊष्मा कहाँ, हीट कहाँ से लिया? गर्मी कहाँ से लिया? वो रूम से लिया। तो रूम का कुछ गर्मी, कुछ हीट का इस्तेमाल कर लिया पानी बनने में, हुआ नहीं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हुआ। अवस्था परिवर्तन में क्या होता है? या तो ऊष्मा उसमें खपत होगा, या तो ऊष्मा उसमें निकलता है उसमें। तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन में क्या हुआ? बर्फ बना पानी। तो बर्फ जब पानी हुआ, परिणत हुआ, इसका मतलब क्या? उसने ऊष्मा का इस्तेमाल किया। कहाँ से है ऊष्मा? कमरे का, कमरे का जो ऊष्मा था उसको इस्तेमाल किया। तो कमरे का ऊष्मा जब उसमें चला गया, बर्फ में चला गया, तो कमरा क्या होगा? ठंडा होगा ना कि गर्म होगा? ठंडा होगा। हाँ, कमरे का ऊष्मा कम जाएगा, उसने खपत कर लिया, तो कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। गुड, वेरी गुड।